सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 11 हिस्ट्री चैप्टर 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखनी और नगरीय जीवन के दूसरे एमसीक्यू सेशन में, दूसरे एमसीक्यू वीडियो में, एमसीक्यू सेशन, एमसीक्यू लेक्चर में। पहला एक सेशन हमने ऑलरेडी ले लिया है जिसमें हमने मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी, मेसोपोटामिया में लोग सर्वाइव कैसे करते थे, एग्रीकल्चर हो गया, फिर अर्बनाइजेशन हो गया, ट्रेड कैसे होता था, गुड्स का मूवमेंट कैसे होता था, इन सारी चीज़ों पे एमसीक्यूज को कवर करा है एंड अलग अलग कैटेगरी के एमसीक्यू क्वेश्चंस को टैकल करा था। इस सेशन में भी हम लोग 20 क्वेश्चंस को करेंगे एंड सारे ही अलग अलग कैटेगरी के होंगे। वन लाइन एमसीक्यूज भी होंगे, एसर्शन रीजन वाले भी होंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी होंगे। तो हमारी जो एमसीक्यू सेशन है उसकी स्पेशलिटी ही ये रहती है, वी वॉन्ट यू कि हम आपको एक एग्जाम पैटर्न के तौर पर क्वेश्चन को प्रोवाइड करा सकें। एंड फर्दर वी आर प्लानिंग कि हम लोग एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएं। जब इस चैप्टर का एमसीक्यू सेशन खत्म हो जाएगा तो इसका टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा एंड प्रोबेबली वो शायद आधे घंटे या 40 मिनट का होगा, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे एंड अगेन वो एग्जाम पैटर्न पे होंगे। कुछ क्वेश्चन उसमें सेशन रीजन के होंगे, कुछ क्वेश्चन उसमें इमेज बेस्ड होंगे, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर और प्लेसेज, वन एंड एमसीक्यू, सारी चीज़ें उसमें होंगी। एंड हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये जितने भी लेक्चर्स आपके चार अपलोडेड हैं, राइटिंग सेटल लाइफ, रोमन एम्पायर, थ्री ऑर्डर या सेंट्रल इस्लामिक लैंड वाला, उसके एक रिविजन सेशन को लाया जाए जिसमें 1 घंटे में सारे चैप्टर को खत्म कर दिया जाए, एक एक घंटे में एक एक चैप्टर को खत्म किया जाए किसी भी टॉपिक को मिस करते हुए बिना। तो दिस इज़ अ सिनेरियो एंड वो भी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कब आ रही है। फॉर दैट यू विल हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज़ प्रेस इट, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सारे टाइम पर मिलते रहे। एंड अब शुरुआत करते हैं दूसरे सेशन की, लेवल वन के साथ। लेवल वन इज बेसिकली जहाँ पे हमारे पास 10 क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर या आप कह लें तो स्टैंड अलोन एमसीक्यूज। तो शुरुआत करते हैं 21वें क्वेश्चन से। अभी तक हमने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया पहले सेशन में, तो वी विल नाउ स्टार्ट विद द 21st क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वाज द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिटन, की मेसोपोटामिया की पहली पट्टिकाएं कब लिखी गई थी। हमने आपको बताया था कि मेसोपोटामियंस के पास कोई कागज नहीं था, कोई नोटबुक नहीं था, वो टैबलेट्स पे लिखते थे एंड वो टैबलेट्स हमारे पास जितनी भी अभी तक एक्सकेवेशन हुई है तो हमें सबसे पुराने टैबलेट्स कब के मिले हैं, मतलब हमें अब तक जितने भी एक्सकेवेशन करी है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले टैबलेट्स कब लिखे गए थे। क्या 5000 ईसा पूर्व में लिखे गए थे, या 2400 ईसा पूर्व में लिखे गए थे, या 3200 ईसा पूर्व में लिखे गए थे, या नन ऑफ द अबव, यानी कि इससे भी पहले या इसके बाद में लिखे गए होंगे। तो द एक्सकेवेशन बहुत ज़्यादा हुए मेसोपोटामिया में, तो इस बात की बहुत पूरी गारंटी है कि जो आंसर अभी आपको यहाँ पता चलेगा प्रोबेबली शायद वही एक्यूरेट हो, कि अब इससे पुराना टैबलेट नहीं मिल सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन ऑलरेडी हो चुकी है मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, वो कुवैत का इलाका जो सदर मेसोपोटामिया है उसमें, खास तौर पे सीरिया के इलाके में। तो द करेक्ट आंसर विल बी, आपको अगर थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताना हो तो 5000 BC के अराउंड तो मेसोपोटामिया में लोग सेटल होना शुरू ही होते हैं। अगर आपने सुमेरियन का टाइमलाइन देखा होगा, पहले सुमेर आते हैं, फिर अक्कड़ आते हैं, अक्कड़ से लोग आते हैं, तो सुमेरियंस जो है 5000 BC के अराउंड सेटल होना शुरू ही होते हैं, फिर धीरे धीरे वो डेवलप करते हैं एंड अल्टीमेटली हमारे पास जो पहले टैबलेट्स के निशान मिले हैं वो 3200 BC के अराउंड मिले हैं। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ टैबलेट दैट वी हैव गॉट इज अराउंड ऑफ 3200 BC, मतलब आज से 5200 साल पहले, ईसा के जन्म से 3200 साल पहले, आज से 5200 साल पहले। सो द करेक्ट आंसर विल बी 3200 BC। एंड ये जो टैबलेट एंड उसके बाद 2400 BC तक तो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट भी आ चुकी है एंड सुमेरियंस को अकेडियन ने रिप्लेस भी कर दिया है, तो ये तो बहुत लेट हो गया। टैबलेट्स जो सबसे पुराने टैबलेट हमें मिले हैं वो 3200 BC के अराउंड के मिले हैं एंड इन टैबलेट्स में अन्य पहले तो पिक्टोरियल साइंस डिपिक्ट किए जाते थे, जैसे हमें बोर्ड्स को लिखना है तो पहले स्क्रिप्ट नहीं थी, वो साइंस के थ्रू लिखते थे, मतलब छोटा सा एक आकृति बना दिया। अगर हमें बुल को दर्शाना तो बुल की आकृति बना दी, फिश को दर्शाना तो फिश की आकृति बना दी। बाद में एक स्क्रिप्ट आती है जिसको यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो कीलाकार स्क्रिप्ट होती थी, मतलब नुकीली लगती थी देखने में, आप स्क्रीन पे उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। नाउ शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन को, 22nd क्वेश्चन। विच मेटीरियल वॉज यूज टू मेक मेसोपोटामियन टैबलेट्स, मेसोपोटामिया के पट्टिकाएं बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। क्या पत्थर से बनाई जाती थी, क्या कांस्य से बनाई जाती थी यानी कि ब्रॉन्ज से बनाई जाती थी, क्या तांबे से बनाई जाती थी, या मिट्टी से बनाई जाती थी। मेसोपोटामिया की पट्टिकाएं किस ऑब्जेक्ट से, किस मटेरियल से बनाई जाती थी। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेसोपोटामिया के जो टैबलेट्स थे उस पर हमको चीज़ों को उकेरना पड़ता था एंड टैबलेट्स वर लाइक नोटबुक। नोटबुक मतलब क्या, हमें हर एक चीज़ों को लिखना है तो टैबलेट्स में भी हमें हर एक डिटेल को उकारना, मतलब उकेरना पड़ेगा, कार्व आउट करना पड़ेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपको, आपने आज जितना भी चीज़, जितने भी ट्रांजेक्शन दिन भर में किया, ट्रांजेक्शन मतलब डज नॉट मीन कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही हो, आपने कुछ काम किया है वो भी आपके लिए ट्रांजेक्शन है, आपने 5 या 6 घंटे की स्लीप ली है वो भी आपके लिए ट्रांजेक्शन ही है, मतलब आपको अगर अपना जर्नल मेंटेन करना हो तो आपको बार बार नोटबुक पर लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको बार बार नोटबुक पर लिखने की जरूरत पड़ेगी तो आप तो यही चाहेंगे ना कि नोटबुक जितना ज़्यादा सरल हो, जितना ज़्यादा सॉफ्ट हो उतना आसान होगा मेरे लिए उस पर कार्व आउट करना। तो स्टोन, ब्रॉन्ज और कॉपर ये तीनों ही बहुत हार्ड सर्फेसेस हैं एंड इन सर्फेस पे कार्व आउट करना चीज़ों को बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस वगैरह तो हम इन पे कर सकते हैं क्योंकि इंस्क्रिप्शंस बहुत रेयर होते हैं, साल में 3-4-5 बनवाए जाते हैं,
लेकिन जब हमें टैबलेट्स की बात आती है तो टैबलेट्स वेयर यूज फॉर डेली पर्पसेस, मतलब जो भी चीज़ें हमने आज की है, जैसे आपने फलाने दुकानदार से एक सामान को खरीदा तो उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ेगी, एंड आप अगर अपने बजट को मैनेज कर रहे हैं आपको भी लिखने की जरूरत पड़ेगी कि आपने कितना रुपया खर्च किया आज, तो एक ट्रांजेक्शन दोनों आदमी को रिकॉर्ड करने की जरूरत है। तो फॉर दैट आपको एक सॉफ्ट सर्फेस चाहिए जिसपे चीज़ों को उकेरा जा सके आसानी से, इसलिए टैबलेट्स जो है वो मिट्टी पर बनाए जाते थे। मिट्टी में पहले जो रेक्टेंगुलर साइज के टैबलेट्स बनाए जाते थे, फिर उनको चिकना बनाया जाता था, स्मूदन किया जाता था ताकि अच्छे से हम लोग उस पर कार्वआउट कर सके, फिर चीज़ों को कार्वआउट करके जो भी हमें लिखना है वहाँ पर लिख के देन उसको सुखा लिया जाता था ताकि वो अब नष्ट ना हो सके। तो इस तरीके का प्रोसेस होता था, पहले मिट्टी से क्ले से हमने एक रेक्टेंगुलर टैबलेट बनाया, उसको फिर चिकना किया, स्मूदन किया ताकि आसानी से लिख सके, देन जब लिख लिया तब सुखा दिया धूप में जाकर, एंड वो एक फिर एक अलग टैबलेट हो गया। इसीलिए हमें हर एक अलग टैबलेट पे, अब एक बार जब वो सूख गई है फिर हम दोबारा उस पर कुछ लिख नहीं सकते, इसीलिए हमने एक टैबलेट पे कुछ अगर लिख लिया अब उसमें कुछ हमें ऐड करना है या दूसरी कुछ चीज़ लिखनी है तो हमें दूसरा टैबलेट बनाना पड़ेगा, उस पर अब कुछ नहीं हो सकता। नाउ द 23rd क्वेश्चन इज कि विच प्रोफेशनल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइटिंग ऑफ लेटर्स ऑन द क्ले टैबलेट्स, की जो ये मिट्टी की पट्टिकाओं पे लेटर्स को लिखते थे, पहले के ज़माने में पिक्टोरियल साइंस डिपिक्ट होते थे एंड बाद में 2600 BC के अराउंड यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट आ जाती है जो कीलाकार स्क्रिप्ट थी, तो इस स्क्रिप्ट को लिखने वाले प्रोफेशनल का क्या नाम था? जैसे अभी हम इलाज जो हमारा करते हैं उसको डॉक्टर कहते हैं, जो दांत देखते हैं वो डेंटिस्ट कहते हैं उनको, तो किस उस प्रोफेशनल का नाम क्या था जो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे? क्या लोहार लिखते थे, क्या सोनार लिखते थे, क्या लिपिक लिखते थे, या इनमें से कोई नहीं? लोहार, सोनार, लिपिक या नन ऑफ द एबव, इन चारों में से अगर इन तीनों में से कोई भी प्रोफेशनल नहीं है तो आपको नन ऑफ द एबव को अपना आंसर चुनना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। जहाँ तक लोहार और सोनार की बात है तो एक गोल्ड में डील करता है, एक लोहे में डील करता है, तो मिट्टी के टैबलेट्स का कहीं से इन दोनों का कोई कनेक्शन हो नहीं सकता, तो ये दोनों तो ऐसे ही हमने डिस्कार्ड कर दिए। एक लोहा से मेटल से कुछ सामग्रियाँ बनाता है, एक सोने से आभूषण वगैरह बनाता है, तो इसको मिट्टी पे टैबलेट्स लिखना ये सब जरूरी नहीं कि आता हो, तो ये दोनों डिस्कार्ड हो गया। देन वी हैव द ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। अगर आपको स्क्राइब के बारे में नहीं पता तो अगर अभी के ज़माने में तो क्लर्क होते हैं जो वो डिजिटाइज होगी सारी चीज़ों, तो कंप्यूटर पे चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। पुराने ज़माने में चाहे पोस्ट ऑफिस चले जाएँ, बैंक चले जाएँ, ज़मीन के ऑफिस में चले जाएँ, ब्लॉक्स वगैरह में चले जाएँ, या म्यूनसिपालिटी ऑफिस में चले जाएँ, तो वहाँ पे जब आप पुराने फाइल्स को देखेंगे ना तो वो पूरे रिटन फॉर्म में है, पूरी की पूरे फाइल्स रिटन फॉर्म में है, ना कि वहाँ पे तो टाइप भी नहीं करा गया चीज़ों को, बहुत पहले तो टाइपराइटर भी नहीं था ना, तो वो रिटन फॉर्म में होते थे। तो स्क्राइब जो है, जो क्लर्क होते थे, उनका काम ही यही था कि वो डिटेल को लिख सके। आज भी जब आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको किसी केस को दर्ज करवाना है, तो आप ऐसा तो नहीं किसी जज के सामने जाके कहेंगे कि सरकार हमारे ये केस है, आपको एक पूरा फॉर्मेट चाहिए होगा, उस फॉर्मेट को आप सबमिट करते हैं तब आपके केस पे कार्रवाई शुरू होगी। तो उस फॉर्मेट को स्क्राइब ही आपके सामने लिख के देंगे, वहाँ पर लिपिक होते हैं जिनको क्लर्क बोलते हैं कोर्ट में, तो वो क्लर्क आपके लिए, अब तो टाइपराइटर आ चुका है, पहले के ज़माने में इंक से पेन से वो लोग लिखते थे आपके पूरे फॉर्मेट को, एंड देन क्योंकि उनको फॉर्मेट पता है एंड उनको लिखने की कला आती है, तो स्क्राइब पुराने ज़माने में भी लिखते थे, आज के ज़माने में भी लिखते हैं, एंड तब बहुत पहले भी स्क्राइब लिखा ही करते थे। सो द प्रोफेशनल दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइटिंग ऑफ लेटर्स ऑन द क्ले टैबलेट्स वॉज नोन एज स्क्राइब, जिसको हम लिपिक कहते हैं। दैट इज द सिनेरियो। उसके बाद 24वें क्वेश्चन पे जाते हैं कि इन द डेरिवेशन ऑफ वर्ड यूनिफॉर्म व्हाट डज फॉर्मा मींस, कि यूनिफॉर्म एक शब्द है, हमने आपको बताया कि यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है, एंड इस यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कीलाकार, हिंदी में यूनिफॉर्म का होता है कीलाकार, मतलब ऐसी स्क्रिप्ट जो कील की तरह देखने में लगे, जिसका शेप जो हो कीलाकार हो। तो यूनिफॉर्म इज मेड अप ऑफ दो ग्रीक टर्म, ये दो ग्रीक वर्ड से मिला है, क्यूनस एंड फॉर्मा। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि फॉर्मा का मतलब क्या होता है, एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको ये भी बताना है कि क्यूनस का क्या मतलब होता है। फॉर्मा के लिए तो ऑप्शन होगा, एंड क्यूनस के लिए आपको हमें कमेंट बॉक्स एंड चैट बॉक्स में दोनों जगह पर बताना। एंड दोज वर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, पहले बात तो 11th वाले बच्चे अटेम्प्ट नहीं करता, आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जितनी भी चीज़ें करी जा रही है वो आपके लिए ही करी जा रही है। आप अगर 12th क्लास के सेशन में आएंगे तो बहुत सारे बच्चे रेगुलर अटेम्प्ट करते हैं एंड क्वेरीज पूछते हैं, इसमें एक या दो बच्चे होते हैं जो अटेम्प्ट करते हैं, बाकी सारे एकदम पता नहीं फोन छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको पहले तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, देन आपने जो चैट बॉक्स में आंसर लिखा उसको कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। इससे होगा क्या कि अभी क्या है ना, 11th क्लास के बच्चों के साथ हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं है, तो वी डू नॉट नो कि किसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किसके क्या वीकनेसेस हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता चल सके कि किस बच्चे को कैसे गाइड करना है। जब आप 12th क्लास के सेशन में जाएंगे तो वी नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हमें पता कि कौन सा बच्चा कहाँ गलती कर सकता है, कौन सा बच्चा किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यही चीज़ है, यही इंटरेक्शन हम आपसे भी चाहते हैं। फॉर दैट आप अगर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, चैट बॉक्स में तो देना ही है फॉर द कंपटीशन, अगर आप कमेंट बॉक्स में भी देंगे तो अगर आपने जवाब सही दिया है तो आपका अप्रिशिएशन मिलेगा, अगर आपने गलत दिया तो आपको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे चीज़ों को, तो आप ऐसे ही गलत जवाब सीखे बिना रह जाएंगे तो दैट इज़ योर लॉस। इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि चैट बॉक्स में हो सकता है कि चैट बॉक्स कब तक रहता है, चैट बॉक्स की लिमिट है, वीडियो जब तक प्रीमियर हो चुका है उसके बाद तो चैट बॉक्स खत्म हो गया ना, उसके बाद ना तो हम चैट बॉक्स में कुछ कर सकते हैं, नहीं आप कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स इज द बेस्ट ऑप्शन, कि अगर आप चैट बॉक्स में आंसर लिखें, जरूर लिखें, वहाँ पे कंपटीशन है तो जरूर लिखें।
कमेंट बॉक्स में इसलिए लिखे ताकि हम आपके आपके लिए खड़े हो सकें, हम आपको गाइड कर सकें, बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव इंटरेक्शन विथ यू पीपल। सो क्यूरियस का मतलब क्या होता है वो आपको चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह बताना, एंड सारी ऑप्शंस को सारी क्वेश्चंस को आपको चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह अटेम्प्ट करना। सो फॉर्मा का मतलब क्या होगा, हेयर वी हैव, क्या फॉर्मा का मतलब होता है किल, क्या फॉर्मा का मतलब होता है मेटल यानी कि धातु, क्या फॉर्मा का मतलब होता है शेप, क्या फॉर्मा का मतलब होता है लिपिक। तो क्यूनस और फॉर्मा, जैसे हमने देखा था मेसोपोटामिया इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक टर्म्स, मेजूस एंड पोटामस, मेजूस मतलब मिडिल, पोटामस मतलब रिवर्स, ऐसे ही क्यूनिफॉर्म जो है वो दो ग्रीक टर्म्स से मिलकर बना क्यूनस और फॉर्मा। क्यूनस का मतलब होता है वेज यानी कि कील, कील, एंड फॉर्मा का मतलब होता है शेप, आकार, इसीलिए तो कहता है हिंदी में कीलाकार, वेज प्लस शेप, यानी कि जो ऐसे स्क्रिप्ट जो वेज शेप्ड हो, कीलाकार हो, तो क्यूनस प्लस फॉर्मा इज वेज शेप्ड, एंड इसीलिए इसे करेक्टिवली कहते हैं क्यूनिफॉर्म, संधि विच्छेद करके अगर लिखा रहा है तो क्यूनस प्लस फॉर्मा अगर मिला दे तो क्यूनिफॉर्म। तो क्यूनस का मतलब होता है वेज, तो वेज तो हो नहीं सकता, एंड बाकी इन दोनों ऑप्शन में स्क्राइब तो होगा नहीं, मेटल भी नहीं होगा, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी शेप, यानी कि क्यूनस हो गया हमारा वेज और फॉर्मा मीन्स शेप। फॉर्म को तो आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर्म मतलब शेप ही हो सकता है वैसे भी, कि भाई पानी ने ऐसा फॉर्म ले लिया, पानी अगर गिलास में डालेंगे तो पानी गिलास के फॉर्म का हो जाएगा, अगर हम उसे पतीले में डालेंगे तो पतीले के फॉर्म का हो जाएगा। तो फॉर्मा इज बेसिकली द ग्रीक टर्म दैट मीन्स शेप, तो वेज शेप्ड इज यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। तो हियर वी हैव द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एंड मेटल का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, क्ले टैबलेट्स में मेटल का कोई इस्तेमाल नहीं है, लिखने में कोई मेटल का इस्तेमाल नहीं है, एंड लोहार तो लिखते भी नहीं है, तो मेटल का आप मेटल ऑप्शन को वैसे भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज कि द सुमेरियन लैंग्वेज वाज रिप्लेस्ड बाय डैश लैंग्वेज बाय 2400 BC की 2400 BC तक आते आते सुमेरियन भाषा को किस भाषा ने रिप्लेस कर दिया था, क्या इब्रानी भाषा यानी कि अरेमिक भाषा ने रिप्लेस किया, क्या यहूदी भाषा यानी कि हिब्रू भाषा ने प्रतिस्थापित किया रिप्लेस किया, या यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक भाषा ने प्रतिस्थापित किया, या अक्कड़ी भाषा यानी कि अकेडियन लैंग्वेजेस ने प्रतिस्थापित किया। तो अगर आपने टाइमलाइन पढ़ा हो तो सबसे पहले सुमेर आते हैं आपके 5000 से 2600 BC तक, उसके बाद आपके अक्कड्स आएंगे, अक्कड़ सुमेरियंस के सारे इलाके को कब्जा में कर लेते हैं, हरा देते हैं लोगों को, एंड बहुत बड़ा अंपायर तब्दील करते हैं। तो दुनिया का सबसे पहला अंपायर हम लोग अकेडियन अंपायर ही मानते हैं, क्योंकि सुमेरियन भी रूल करते थे, इनके भी राजा होते थे, जैसा आप अगर नाम देखेंगे सुमेरियन किंग्स का तो हमारे पास गिलगमेश एक सुमेरियन किंग है जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये जो किंग्स हैं, तो लेकिन इनके पास अंपायर नहीं था, अंपायर इसकी जो बहुत वास्ट हो, अलग अलग रीजन्स तक फैला हो, जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स रह रही हो। तो अकेडियंस आपके आते हैं 2600 से ले ले तो 1900 तक, एंड उसके बाद 1900 के बाद फिर बेबीलोनियंस आएंगे, 1900 के बाद बेबीलोनियंस, देन द अकेडियन एम्पायर वॉज बेबीलोनियन, अकेडियन एम्पायर वॉज रिप्लेस बाई बेबीलोनियन एम्पायर, ये 1900 से 1300 तक रहेगा। एंड इस एम्पायर की खास बात यह है कि इसी एम्पायर में हमोराबी नाम के राजा आते हैं, जिन्होंने पहली बार कोड ऑफ कंडक्ट निकाला था, यानी कि एक ऐसा रूल जो सबके लिए मान्य होगा, सबके लिए फॉलो करना मैंडेटरी है, एंड ऐसे ही हमारे जो लीगल सिस्टम है वो इवॉल्व होनी शुरू होती है। तो हमोराबी बहुत फेमस किंग थे। बेबीलोनियंस के बाद आएंगे हमारे असीरियंस, असीरियंस में भी 1200-1300 BC के, एंड ये सारी डेट्स BC में है, 1300 BC से तकरीबन 600-700 BC तक रहेंगे। फिर थोड़े समय के लिए बेबीलोनियंस जो अंपायर बिखर गया था उसके कुछ पार्ट फिर से एकत्रित होके असीरियंस को हराएंगे, न्यू बेबीलोनियन एम्पायर की स्थापना करी जाएगी, वो बहुत दिनों तक नहीं चलता। उसके बाद पर्शिया के जो रूलर है साइरस द ग्रेट, जिन्होंने बहुत बड़ा अंपायर फैलाया था, कहा जाता है कि पर्शिया से लेकर मेडिटेरेनियन के ईस्टर्न कोस्ट यानी कि लेबनान पैलेस्टीन जॉर्डन तक पहुंच गया था वो, एंड उनके बारे में कुरान में मेंशन भी है ज़ुल्कर्नैन नाम से, कि उन्होंने दुनिया को जीत लिया, एंड उन्होंने अपने किताब में लिखा भी है कि मैं दुनिया के अंत तक पहुंच गया हूं, क्योंकि उन्होंने जब मेडिटेरेनियन के ईस्टर्न कोस्ट को देखा तो सामने पूरा समंदर ही था, तो उनको लगा कि उन्होंने शायद पूरी दुनिया को जीत लिया है। तो उसके बाद साइरस द ग्रेट अपने एम्पायर की स्थापना करेंगे, मेसोपोटामिया में अपने एम्पायर को एक्सपैंड करेंगे। तो सुमेरियन के बाद कौन आता है, अकेडियंस आते हैं, तो ऑब्वियसली कौन सी लैंग्वेज आएगी, सुमेरियंस को हटा के कौन सी लैंग्वेज आएगी, जब सुमेरियंस 2400 BC के अराउंड सुमेरियंस को रिप्लेस कर देता है अकेडियन, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज भी उन्हीं की आएगी, जब सुमेरियंस है तो लैंग्वेज ही सुमेरियन थी, जब अकेडियन आएंगे तो लैंग्वेज भी अकेडियन होगी। तो द करेक्ट आंसर विल बी अकेडियन, अकड़ी लैंग्वेज वॉज द लैंग्वेज दैट रिप्लेस द सुमेरियन लैंग्वेज बाय 2400 BC, मतलब 2400 BC तक। इसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द यूजेस ऑफ राइटिंग, की निम्नलिखित में से कौन सा लेखनी के उपयोग में से एक था, कि मतलब इसलिए शायद इसको लिखा रहता होगा, जैसे हमने आपको कहा था कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना हो इसलिए लिखने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको बताने की कौन सी जो चीज़ है वो लेखनी के उपयोग में आती थी। जैसा हमें अगर चेंज करना है, हमने लॉ में कोई चेंज कर लिया, राजा ने कानून में कोई चेंज कर लिया, तो इसको अनाउंस करना एक लेखनी के उपयोग में आता था। नरेशन ऑफ किंग्स यानी कि किंग्स की कहानियों को दर्ज करना एक लेखनी के उपयोग में आता, मतलब इसलिए क्ले टैबलेट्स में चीज़ों को लिखा जाता था। फिर रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, हर एक टाइप के ट्रांजेक्शन हो गए, किसी से हमने विल बनवा लिया, किसी से हमने वसीयत बनवा ली, किसी से हमने सौदा किया है, किसी से हमने सामान खरीदा है, ये सारे ट्रांजेक्शन हो गए।
तो एंड ऑल ऑफ द अबव, अगर ये ऊपर के तीनों ही चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता था, तीनों ही चीज़ों को लिखा जाता था, चाहे वो लॉज में कुछ चेंज हुए उसको दर्ज करना हो, चाहे किंग्स के बारे में बताना हो, लेन देन के रिकॉर्ड को मेंटेन करना हो, अगर इन तीनों चीज़ों का रखना था, देन योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। तो लेखनी के उपयोग में हमने देखा था ऑप्शन सी तो होगा ही होगा, लेन देन का रिकॉर्ड। फिर राजाओं का कथन, राजाओं का कथन इज ऑल्सो यूजर्स ऑफ राइटिंग, क्योंकि जब आप एपिक ऑफ गिलगमेश देखेंगे या जब आप रूलर को देखेंगे, जिस रूलर ने अरट्टा के पास भेजा था अपने दूत को, अरट्टा किंग के पास, कि हमें लैपिस लजुलाई चाहिए, रूलर का नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा सा नाम था, इनमर का नाम था, इनमर, तो इनमर जो है वो भी लिखते हैं उसके बारे में, वो दिया ही वो आपके बुक में कि उन्होंने पहली बार क्ले टैबलेट्स उठाया एंड अरट्टा को निर्देश दिया कि भाई हमें किसी भी सूरत हाल में लैपिस लजुला इलाके दो, एंड यहीं से राइटिंग की शुरुआत हुई। तो ये मिथोलॉजी है मेसोपोटामिया की, लेकिन फिर भी आप ऐसा माने कि जो नरेशंस वगैरह होते थे किंग्स के, उनको लिखा जाता था। फिर कानून की बदलाव की घोषणा, तो ये सारी चीज़ें तो लिखी जाएंगी। सो ये ऊपर की तीनों ही चीज़ें जो हैं वन ऑफ द यूजेज ऑफ राइटिंग में आती थी, मतलब एक तरीके से इनको लिखने में इस्तेमाल करा जाता था। अगर हमें नरेशंस को लिखना तो भी हम लिखते थे, अगर हमें चेंजेस इन लॉ को रिकॉर्ड करना तो भी हम क्ले टैबलेट्स पे इसको लिखते थे, एंड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना तो वो तो होगा ही। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर के सभी। 27वें क्वेश्चन पे आते हैं, यही अनमेरकर के बारे में भी हमने जो पढ़ा है, जो अपने बारे में कहते हैं कि भाई उनको लैपिस लजुला चाहिए था, एंड वो फिर अपने दूध को भेजते अरट्टा के किंग के पास, एंड वो फिर मना कर देता है, फिर लास्ट में बहुत दौड़ भाग करता है उनका दूध, देन इनमर्कर क्या करते हैं, अपना एक क्ले टैबलेट निकालेंगे, एंड पहली बार उन्होंने एक निर्देश दिया था, पहली बार किसी राजा ने लिखा, एंड वो जो सोर्स है इसमें यही बताया गया कि यहीं से लिखने की शुरुआत हुई। इनमर्कर जो है वो पहली बार अरट्टा किंग को लिख के देते हैं कि भाई हमें ये तो किसी भी हाल में चाहिए, अगर नहीं दोगे तो फिर हम तुम पर चढ़ाई कर देंगे। सो टू विच सिविलाइजेशन डिड द किंग इनमर्कर बिलोंग। अब आपको ये नहीं बता रहे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के थे तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के ही, लेकिन मेसोपोटामिया में जो अलग अलग सिविलाइजेशन आई है, चाहे वो सुमेरियन हो, अकेडियन हो, बेबीलोनियन हो या एसीरियन हो, इन चारों में से किस सिविलाइजेशन के थे? तो आपको सही जवाब चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह पर हमें बताना है, अकेडियन, बेबीलोनियन, सुमेरियन या असीरियन। तो देखिए, अकेडियन, बेबीलोनियन एंड असीरियन ये तीनों बहुत बाद में आते हैं, एंड अगर आपने अभी देखा हो इनमर्कर के बारे में, मैंने आपको क्या बताया, इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि यहीं से लेखनी की शुरुआत हुई है, अकॉर्डिंग टू मेसोपोटामियन मैथोलॉजी लेखनी की शुरुआत यहीं से हुई है। एंड लेखनी की शुरुआत किस सिविलाइजेशन में हुई थी? सुमेरियन सिविलाइजेशन में। लेखनी की शुरुआत तो सुमेरियन सिविलाइजेशन में ही होगी थी ना, बाद में फिर अकेडियंस आते हैं तो लैंग्वेज बस बदलते हैं, स्क्रिप्ट तो यूनिफॉर्म ही रहती है। तो इन दैट वे वी कैन से, अगर मेसोपोटामियन मैथोलॉजी में ऐसा लिखा गया है कि अनमर्कर के अरट्टा के किंग को उपदेश देने के बाद, उपदेश मतलब निर्देश देने के बाद से ही लिखाई का सिलसिला शुरू हुआ है, तो अनमर्कर जरूर ही सुमेरियन सिविलाइजेशन करे होंगे, क्योंकि लिखाई तो सुमेरियन सिविलाइजेशन के दौरान ही शुरू हुई है। अगर ये असीरियन सिविलाइजेशन के होते तो ऐसा कतई नहीं कहा जाता कि अनमर्कर के उस पट्टिका में लिखने के बाद से ही लिखाई की शुरुआत हुई है। तो द करेक्ट आंसर होगी सुमेरियन। ऐसा कहा जाता है कि अनमर्कर को जब ये चीज़ें नहीं मिली तो उन्होंने अरट्टा के किंग को निर्देश दिया क्ले टैबलेट से, मिट्टी के टैबलेट में, तब तक मिट्टी के टैबलेट्स में लिखाई नहीं होती, तब तक लिखाई होती भी नहीं थी। तो उन्होंने निर्देश दिया कि अगर हमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो अंजाम आपका बहुत बड़ा होगा। तो यहीं से लोग मानते हैं कि लिखाई का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि लिखाई को लोग एक सब्सटैंशियल एविडेंस मानते थे, एक हुक्म के तौर पर लेते थे, एंड यही लिखाई जब अरट्टा के किंग के पास पहुंचेगी तो वो फिर उसका चेहरे का रंग उतर जाता, फिर वो जो है लैपिस लजुला भेजेगा। सो किंग अनमर्कर वॉज फ्रॉम सुमेरियन सिविलाइजेशन, गिलगमेश भी सुमेरियन सिविलाइजेशन के थे। सो ऑल ऑफ अकेडियन सिविलाइजेशन के सबसे बड़े किंग सार्गोन, सार्गोन को कहा जाता था फर्स्ट अम्पायर, द फर्स्ट अम्पायर, क्योंकि उनका अम्पायर था एंड सार्गोन वॉज द फर्स्ट अम्पायर, तो इनका भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाई डिड इनमर्कर सेंड हिज मैसेंजर टू द किंग ऑफ अरट्टा, की किंग ऑफ अरट्टा के पास, अरट्टा के राजा के पास इनमर्कर ने अपने दूत को क्यों भेजा? अभी अभी मैंने इसका जवाब बताया आपको, क्वाइन पाने के लिए, कर जमा करने के लिए, कर मतलब कलेक्ट करने के लिए, वसूल करने के लिए, आमंत्रण भेजने के लिए, या लैपिस लजुली लास्ट वर्ड पाने के लिए। तो अभी अभी मैंने चूंकि इसका आंसर बताया है तो यू कैन इजीली आंसर इट, ना तो कर भेज कलेक्ट करने के लिए भेजा हो, क्योंकि अरट्टा बहुत दूर पड़ता था मेसोपोटामिया से, तो वहाँ पे उनके किंग्स का शासन ही नहीं है, तो कहाँ से वो कर कलेक्ट करने के लिए भेज सकते हैं। फिर सिक्का पारे के लिए, तो सिक्के का चलन भी उस जमाने तक नहीं शुरू हुआ था, तो ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड होगा। आमंत्रण भेजने के लिए, तो आपने जब कॉन्टेक्स्ट देखा होगा तो अनमर्कर लास्ट में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो आमंत्रण को आखिर क्यों कोई ही डिफाई करेगा, कैसे कोई मना कर सकता है आमंत्रण के लिए? तो ये ऑप्शन सी भी हमारा गलत आंसर है, इसको भी डिस्कार्ड कर देना है। सो द ऑप्शन दैट वी हैव लिफ्ट विथ इज टू गेट लैपिस लजुलाई, एंड ये होता भी है, लैपिस लजुलाई वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस ऑब्जेक्ट मानी जाती थी, इसलिए अनमर्कर ने अपने दूत को अरट्टा के किंग के पास भेजा था, एंड अरट्टा जो थे वो अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया के टेरिटरी पर रूल करते थे, वहीं पर शॉर्टोगे भी था, तो उन्होंने शॉर्टोगे में भेजा कि भाई जाके तुम क्या करो, शॉर्टोगे से हमारे लिए लैपिस लजुलाई लेके आओ। एंड वो क्यों यूज़ करते थे? क्योंकि लैपिस लजुलाई बहुत ज़्यादा ही एक प्रीशियस स्टोन माना जाता था, जिनको रॉयल पैलेसेस में या लोग अपने लिबास में लगाया करते थे। सो ये लैपिस लजुलाई पाने के लिए अपने दूत को भेजते हैं अरट्टा के किंग के पास। उसके बाद 29वां क्वेश्चन, कि डैश वॉज द कैपिटल ऑफ किंग इनमर्कर, तो बहुत आसान
सवाल है, किंग एनमर्कर किस अंपायर के थे? सुमेरियन अंपायर के थे। एंड सुमेरियन की जो कैपिटल होगी वही किंग एनमर्कर की भी कैपिटल होगी। एंड सुमेरियन की कैपिटल मारी तो हो नहीं सकती क्योंकि वो सेंट्रल मेसोपोटामिया में थी, तो एंड सुमेरियन सदर मेसोपोटामिया में रूल करते थे। एंड निनेवा वॉज इन नॉर्थ मेसोपोटामिया, ये और ऊपर था, टिग्रिस नदी के किनारे थे, तो यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो सारे तो सदर मेसोपोटामिया में रूल करते थे। उर एंड उरुक में हमें कन्फ्यूजन है, तो इन दोनों में हमें ये देखना पड़ेगा कि एनमर्कर हमें लगता है कि बहुत एंशियंट किंग रहे होंगे, अगर वैसे सुमेरियन सिविलाइजेशन की बात करो तो बहुत शुरुआती के, बहुत पहले के शासक रहे होंगे। एंड सबसे पहले उर और उरुक में से कौन सी सिटी बनी है? तो उरुक इज वन ऑफ द एंशियंट सिटी इन द वर्ल्ड, कहा जाता है कि सबसे पहली सिटी जो बनाई गई थी वो उरुक ही है। एंड इसीलिए उरुक को सिंपली ना द सिटी भी कहा जाता है। अगर मेथोलॉजिकल टेक्स्ट को देखेंगे आप मेसोपोटामिया की या बाइबल की, तो वहाँ पे सीधे उरुक को उरुक के नाम से नहीं कहा गया, वहाँ पे सीधे द सिटी, शहर, मतलब उस जमाने में शहर कहना बहुत बड़ी बात होती थी, तो लोग सीधे शहर कर देते थे, शहर। जैसे आप कभी गांव देहात में अगर आप जाएंगे तो वो, जैसा मेरा घर दरभंगा के पास है, तो मेरे आसपास जितने भी रूरल इलाके हैं वो दरभंगा को ऐसा नहीं कहते दरभंगा शहर जा रहा है, वो सीधे कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो शहर जा रहा है, बिकॉज फॉर देम दरभंगा इज द ओनली सिटी दैट दे हैव। तो ऐसे ही उरुक उनके लिए बहुत दिनों तक एकमात्र सिटी थी, तो उनको ऐसे ही द सिटी कहा जाता, द सिटी यानी कि शहर। तो ये जो अनमर्कर उनकी राजधानी उरुक थी, जितने भी सुमेरे किंग आते उनकी राजधानी भी उरुक ही रहती है। बाद में जब बेबीलोनियंस आते हैं वो बेबीलोनियंस रूल करते हैं, फिर माड़ी लेने वास्ते भी बहुत सारे रूलर रूल करते हैं, माड़ी में तो एक बहुत बड़ा पैलेस भी है, आपको आगे दिखाया भी जाएगा। तो उसके बाद जो तीसवा क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पे एक तस्वीर दी गई आपको बताना है कि ये जो हमने आपको बताना है कि क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट 2600 BC के बाद शुरू होती है, ठीक है, लेकिन लिखाई जो है वो तो 3200 BC के आसपास ही हमें देखने को मिलती है, यानी कि पहले टैबलेट्स 3200 BC के अराउंड मिले हैं। तो तब तक 3200 BC से 2600 BC तक टैबलेट्स पे लिखा क्या जाता था? तो लिखाई जब तक छोटी नहीं हुई थी, स्क्रिप्ट जब तक नहीं मिला था, तो लोग क्या करते थे, किसी भी चीज़ को अगर उन्हें लिखना है तो उसकी छोटी सी तस्वीर बना देते थे। अगर उन्हें पेड़ पौधे को दर्शाना है तो पेड़ पौधे की तस्वीर बना दी, अगर उन्हें मछलियों को दर्शाना है तो मछलियों की तस्वीर बना दी, अगर उन्हें बैलों को दर्शाना है तो बैलों की तस्वीर बना दी, अगर उन्हें बोट्स को नावों को दर्शाना है तो नावों की तस्वीर बना दी। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन के कैटेगरी, किस ऑप्शन के चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है? क्या बैल को दर्शाया गया है, क्या ग्रेन को दर्शाया गया है, क्या फिश को दर्शाया गया है, या दोनों ग्रेन्स एंड फिश दोनों को दर्शाया गया है? तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी बैल का जिक्र नहीं है, मतलब दो सिंग वाला जानवर या बड़ा हट्टा कट्टा जानवर ऐसा तो कहीं में नहीं देखने को मिलता। ऑक्स कैन बी इजिली एलिमिनेटेड। फिर अगर आप ऊपरी भाग को देखें तस्वीर के, तो ये ग्रेन्स को दर्शाती है, यहाँ पे मिट्टी है एंड इसके ऊपर छोटे छोटे पौधे हैं गेहूँ के, चावल के, तो ग्रेन्स हमारा आंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो दिस इज द फिश, ये मछलियों को दर्शाता है, तो ये जो पिक्चर यहाँ पे ग्रेन्स भी हैं एंड मछलियाँ भी हैं, तो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ बी एंड सी, यानी कि बी और सी दोनों ही इस पिक्चर द्वारा दर्शाया गया। इसके अलावा बहुत सारे पिक्चर है जिनमें केवल केवल ऑक्स को दर्शाया गया, बहुत सारे पिक्चर जहाँ पे केवल केवल बोट्स को दर्शाया गया, तो इसलिए एंड तकरीबन कहा जाता है कि हमारे पास ऐसे 5000 से ज़्यादा साइंस मिले हैं, मतलब पिक्चोरियल साइंस, यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म साइंस तो 100 में ही है, बाकी जो पिक्चर्स है जितना भी हमने पिक्चोरियल क्ले टैबलेट्स को रिकवर करा है जिनमें पिक्चर्स दर्ज हैं, तकरीबन ऐसे 5000 में अलग अलग साइंस मिले हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा वैरायटी की चीज़ें रही होंगी, एंड हर एक अलग वैरायटी की चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए अलग इमेज बनाना पड़ता है, तो कहीं से भी स्टोन, ब्रॉन्ज या कॉपर पे टैबलेट्स को बनाना मतलब पॉसिबल ही नहीं। वो ऑब्वियसली सही करते थे कि मिट्टी पे बनाते थे, मिट्टी को पहले पूरे ट्रायंगुलर शेप में किया, फिर उसको चिकना किया, देन उस पर लिखा एंड देन उसको धूप में सुखा दिया, नाउ द टैबलेट इज रेडी। तो ये रहे आपके पहले दस क्वेश्चन 1 लाइन MCQs Level 1 के। अब आगे बढ़ते हैं Level 2 को अटेम्प्ट करते हैं। सो अब शुरुआत करते हैं Level 2 की। होप कि आपने Level 1 में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा होगा एंड कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दो ही जगह पे चीज़ों को लिखा होगा, आंसर्स को लिखा होगा। सो हेयर वी हैव द Level 2। इसमें कुछ हमारे पास चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं 31वें क्वेश्चन से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लिटरेसी ऑफ मेसोपोटामिया, यानी कि साक्षरता के संबंध में, मेसोपोटामिया की साक्षरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला कथन देखें आप, द लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड, की साक्षरता व्यापक थी, सारे जगहों पर लोग पढ़ना लिखना जानते थे। मोस्ट ऑफ द किंग्स वर लिटरेट, की अधिकांश जो राजा होते थे वो साक्षर थे, मतलब उनको पढ़ना लिखना आता था। देन द थर्ड स्टेटमेंट इज द किंग ऑफ मेसोपोटामिया हैड ऑफिशियल्स टू रीड आउट लेटर्स फॉर देम, कि मेसोपोटामिया के राजा के पास उनके लिए पत्र पढ़ने के अधिकारी थे, मतलब वो अगर कोई पत्र आता था तो उनके पास ऑफिशियल्स होते थे जो उनके लिए पत्रों को डिसाइड कर देते थे एंड जो राजा बैठ के सुनते थे। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या केवल पहला स्टेटमेंट सही है, क्या दूसरा तीसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्या पहला और तीसरा दोनों सही है, या केवल तीसरा सही है? आपको सही जवाब आराम से पेशेंटली क्वेश्चंस को अच्छे से देखें, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि स्टेटमेंट में ना बहुत सारे राज छुपे होते हैं। 12th क्लास की आप जब MCQ सीरीज की क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे तो वहाँ पर स्टेटमेंट में थोड़ा सा ट्विस्ट अगर डाल दिया जाए ना तो बदल जाता है। यहाँ पे भी अगर आपको भी बताया जाएगा थोड़ा सा भी ट्विस्ट डाल देते हैं ना तो पूरा स्टेटमेंट का मतलब भी बदल जाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट को सही से ठंडे दिमाग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
एंड एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ें एंड ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। जैसे पहला हो गया हमारा द लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड, तो हमने देखा था कि जो क्यूरिफॉर्म स्क्रिप्ट थी वो बहुत डिफिकल्ट थी, उसमें अल्फाबेट नहीं होते थे, उसमें सिलेबल्स होते थे। सिलेबस मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसमें दो या तीन जो लेटर्स हैं वो साथ मिलके जोड़ के सिलेबस बनाया जाता है। सो इन दैट वे द सिलेबस वेयर वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, इसीलिए सारे लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। सो द लिटरेसी वॉज नॉट वाइड स्प्रेड, सबको पढ़ना लिखना नहीं आता था। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, इसीलिए पहले स्टेटमेंट का जिक्र जिस भी ऑप्शन में है मैं उसे सीधे डिस्कार्ड करता हूं, जैसे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी डिस्कार्ड होगा, क्योंकि क्यूरिफॉर्म स्क्रिप्ट सीखना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। व्हेन यू टॉक अबाउट लिटरेसी तो स्क्रिप्ट पढ़ना लिखना तो आना चाहिए ना, तो स्क्रिप्ट सीखना इसलिए मुश्किल था क्योंकि एक तो लेटर्स नहीं थे, अल्फाबेट नहीं थे, एंड अल्फाबेट नहीं थे तो क्या होता है ना, सिलेबस होते थे। जैसा हमने आपको कहा कि अंग्रेजी में आपको सिलेबस ऐसे सीखने पड़ेंगे, ए सी डी एक सिलेबल हो गया, सी डी एक सिलेबल हो गया, एंड ऐसे करके सिलेबस सैकड़ों की संख्या में हंड्रेड्स में है, तो आप कितने सिलेबस को सीखेंगे एंड कैसे आप उनसे वर्ड्स या सेंटेंसेस को फॉर्म कर पाएंगे, दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट बियॉन्ड द लेवल डिफिकल्ट था ये, इसीलिए बहुत कम पीपल पढ़ पाते थे, वेरी फ्यू पीपल कुड रीड एंड राइट। तो साक्षरता व्यापक नहीं थी, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अधिकांश जो राजा थे वो साक्षर थे, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि जब स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा मुश्किल है पढ़ने लिखने को तो राजा कहाँ से इतने साक्षर हो पाएंगे। कुछ लोग थे साक्षर जिनके बारे में मैं बताया भी गया है, टैबलेट्स में उनका नाम दर्ज है, उन्होंने अपने आप को कहा है कि मैं साक्षर हूँ, मुझे पढ़ना लिखना आता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द किंग्स वेर नॉट लिटरेट। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड स्टेटमेंट का भी जिक्र जिस ऑप्शन में उसे मैं डिस्कार्ड कर दें, तो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया, ये तीनों डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इसलिए क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट का मेंशन है, ऑप्शन बी इसलिए क्योंकि इसमें सेकंड स्टेटमेंट का मेंशन है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी बचा। अभी हमने स्टेटमेंट थर्ड को पढ़ा भी नहीं है, फिर भी मैं आंसर पता चल गया कि केवल थ्री यानी कि तीसरा जो स्टेटमेंट है केवल वही सही है। अभी आपने तीसरे को पढ़ा भी नहीं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजा के पास उनके लिए पत्र पढ़ने के अधिकारी होते थे, वो ऑफिशियल्स नियुक्त करते थे, क्योंकि बहुत सारे राजा खुद पढ़ नहीं सकते थे लेटर्स को, क्योंकि उनको तो पढ़ना नहीं आता था, उनको दे वर नॉट लिटरेट। तो इन दैट वे दे यूज टू अपॉइंट, दे यूज टू रिक्रूट ऑफिशियल्स टू रीड आउट लेटर्स फॉर देम। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट है वो सही है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट है, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। यहाँ पे 32वें क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट राइटिंग, कीवर्ड आपको ध्यान रखना है, प्राचीन लेखन के विकास के संबंध में, प्राचीन लेखन बहुत प्राचीन, जब मेसोपोटामिया में शुरुआत की गई होगी, 3200 BC के अराउंड जब लिखने की शुरुआत करी गई होगी, तो इसके संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, गलत नहीं है, सही है। द राइटिंग बिगेन अराउंड 3200 BC, पहला स्टेटमेंट। इनिशियली पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर्स वेर यूज्ड इन राइटिंग्स, की शुरुआत में स्क्रिप्ट नहीं था तो लोग पिक्चर्स के माध्यम से चीज़ों को डिपेक्ट करते थे। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट को तकरीबन 10,000 ऐसे पिक्चर लाइक साइंस मिले जब उन्होंने मेसोपोटामिया की भूमि को एक्सकेवेट किया। तो अब इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है आपको ये बताना है, एट कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों ही जगह पे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आप बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने में, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो ये हमारे एफर्ट की बेइज्जती है एंड आपके लिए भी नुकसान है, हमारा छोड़ा आप खुद का देखें। ये जो MCQs आपके लिए रखे जा रहे हैं कोई वन लाइनर MCQs नहीं है, या ये कोई नॉर्मल MCQs नहीं है, हमने बहुत रिसर्च करके बहुत फिल्टर आउट करके एक एक MCQs को निकाला है। तो क्या पहला दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, दूसरा तीसरा दोनों सही है, केवल तीसरा सही है, या पहला तीसरा दोनों ही सही है? एक एक करके अब स्टेटमेंट को देखा जाए तो द राइटिंग बिगेन अराउंड 3200 BC, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो पहले स्टेटमेंट का मेंशन जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा सही होने वाला है, यानी कि ऑप्शन ही सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा, इन दोनों को डिस्कार्ड कर दें क्योंकि यहाँ पे आप स्टेटमेंट देगा तो मेंशन ही नहीं है। फिर इनिशियली पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर्स वेर यूज्ड इन राइटिंग्स, की शुरुआत में क्या होता था कि पिक्चर लाइक साइंस यूज किए जाते थे। आपके सामने स्क्रीन पर तस्वीर भी आ रही होगी कि शुरुआत के दशकों में जो मेसोपोटामिया टैबलेट्स थे उनमें पिक्चर्स को डिपिक्ट किया जाता था, जैसे पिछले स्लाइड में आपने देखा था कि फिश और ग्रेव्स को यहाँ पर डिपिक्ट करा गया, ऐसे ही बोर्ड्स को डिपिक्ट करा जाता था, क्योंकि जमाने में 3200 BC के आसपास स्क्रिप्ट नहीं डेवलप हुई थी। स्क्रिप्ट तो आप कहें 2600 BC के अराउंड आकर डेवलप हुई है यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, तो ये 500-600 सालों तक पूरी तरीके से पिक्चर्स ही डिपिक्ट किए जाते थे। ठीक है, तो हमारे पास शुरुआत के दशकों में, शुरुआत के सेंचुरीज में पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर्स यूज़ किए जाते थे क्ले टैबलेट्स में, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहले और दूसरे स्टेटमेंट का मेंशन केवल ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। यहाँ ऑप्शन डी में दूसरे स्टेटमेंट का मेंशन ही नहीं है, तो इससे हमें डिस्कार्ड कर देना, बाकी बी सी तो पहले डिस्कार्ड कर चुके हैं हम लोग, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होता। अभी हमने देखा कि थर्ड स्टेटमेंट देखा भी नहीं है, फिर भी हम इस कंक्लूजन पर पहुंच गए कि ऑप्शन ए सही होगा, इसीलिए कहा कि आपको स्टेटमेंट पढ़े एंड ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन गलत है। MCQs को जब आप अटेम्प्ट करते हैं, जैसे आपने सब्जेक्टिव जब सवाल का जवाब देना,
तो सब्जेक्टिव सवालों में दिक्कत क्या होती है कि आपको एक्चुअल में आंसर आना चाहिए, आप घुमा फिरा नहीं सकते एग्जामिनर को। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपको ये पता है कि कौन कौन से आंसर गलत है, कौन कौन से ऑप्शन गलत है, फिर भी आप सही आंसर पर पहुँच जाएंगे। इसीलिए तो यहाँ पे एलिमिनेशन की टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए जैसे जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ें वैसे वैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। नाउ तीसरे स्टेटमेंट को भी देख लें कि आर्कियोलॉजिस्ट को 10,000 साइन मिले। हमने पिछले साइड में आपको बताया भी है, जब पिक्चर लाइक एक साइन हमने देखा था उसमें ग्रीन और फिश वाला, तो वहाँ पे आपको बताया था कि अभी तक जितनी भी एक्सकवेशन हुई है उसमें हमें तकरीबन 5,000 साइंस के अराउंड हमें देखने को मिला। 5,000 अलग अलग साइंस, बोट के साइंस हो गए, ऑक्स के साइंस हो गए, पेड़ पौधों के साइंस हो गए, मछलियों के साइंस हो गए, जानवरों के साइंस हो गए, मतलब पिक्चर लाइक साइंस जो उनमें उकेड़ा जाता था। तो 5,000 साइंस अभी तक हमें देखने को मिले, 10,000 नहीं 5,000। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फैक्चुअली ये फैक्चुअली ही गलत है क्योंकि यहाँ पे 10,000 दिया हुआ, इन रियलिटी 5,000 साइंस ही हमें मिले हैं। सो द करेक्ट आंसर वैल्यू ऑप्शन ए की पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। सो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना। पहला स्टेटमेंट है द क्ले टैबलेट्स वर थ्रोन अवे वाज देयर रिलेवेंस एट सीस्ट, की जब एक बार क्ले टैबलेट्स की प्रासंगिकता खत्म हो जाती थी, जब उनका काम खत्म हो जाता था तो उसको फेंक दिया जाता था। दूसरा कि एक टैबलेट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन दर्ज किए जा सकते थे, अलग अलग ट्रांजेक्शन दर्ज किए जा सकते थे। तीसरा कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड लिटिल नंबर ऑफ मेसोपोटामियन टैबलेट्स ड्यूरिंग एक्सकवेशंस, की पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान बहुत कम टैबलेट्स मिले हैं, बहुत कम टैबलेट्स मिले हैं एक्सकवेशंस के दौरान। तो इन सब में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? क्या पहला दूसरा दोनों सही है, क्या केवल तीसरा सही है, पहला तीसरा दोनों सही है, या केवल पहला सही है? एक एक करके आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे एंड ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएंगे। जैसा अगर तीसरा ऑप्शन देखें, यहाँ पे आप देखेंगे तो तीसरे स्टेटमेंट को दो दो ऑप्शंस में हाईलाइट किया गया, तो जिस या पहले स्टेटमेंट को तीन ऑप्शंस में हाईलाइट किया गया। तो पहले हमें ये देखना है कि पहला स्टेटमेंट सही है गलत है। अगर पहला स्टेटमेंट गलत होगा तो ये तीनों ही डिस्कार्ड हो जाएंगे, ये ट्रिक है ना। अगर एक स्टेटमेंट को ज़्यादा हाईलाइट किया गया तो पहले आप उस स्टेटमेंट को चेक करें, अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, आंसर हमारा हो गया ऑप्शन बी। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि टैबलेट्स को फेंक दिया जाता था अगर इनके रिलेवेंस खत्म हो चुकी है, तो दैट वॉज ट्रू। इसका एक एग्जाम्पल आपको बताना हो तो लेट सपोज आपको 2,000 रुपये की जरूरत थी, आप मेरे पास आते हो, सर कहते हो कि सर मुझे 2,000 रुपये दे दो। मैंने कहा कि ठीक, मैं आपको 2,000 रुपये दे तो दूंगा, लेकिन आपको 6 महीने बाद आपने कहा कि मैं आपको लौटा दूंगा। तो मैंने क्या किया, एक बॉन्ड बनाया, क्योंकि लिखित तौर पे वो बॉन्ड बनाना ज़रूरी है ताकि आप पैसा लेके कहीं भूल ना जाओ। तो मैंने एक बॉन्ड बनाया, कहा कि फलाने आदमी ने मेरे पास से 2,000 रुपये लिए हैं एंड उन्होंने अपना फलाना सामान मेरे यहाँ गिरवी रख दिया मॉर्गेज के रूप में, एंड अगर ये 6 महीने बाद पैसा नहीं दे पाते तो वॉट आई विल डू, मैं उस मॉर्गेज को कॉन्फिस्केट कर लूँगा, कब्ज कर लूँगा, मतलब उसको जब्त कर लूँगा। तो ये जो क्ले टैबलेट है वो 6 महीने तक बहुत रिलेवेंट रहेगा। अब जब ये हमारा बॉन्ड मैच्योर हुआ, बॉन्ड मैच्योर होना मतलब जब इसकी अवधि ख़त्म हो गई, तब आपने 2,000 रुपये विथ इंटरेस्ट मुझे चुका दिए एंड अपना मॉर्गेज भी लेके आप निकल जाते हैं, रिकवर करके निकल जाते हैं। तो ना तो आपको उस टैबलेट की ज़रूरत है, ना मुझे उस टैबलेट की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा तो काम हो गया, मेरे पैसे भी आ गए विथ इंटरेस्ट एंड आपको भी ज़रूरत पे सामान मिल गया एंड आपने पैसे चुका भी दिए। तो अब चूंकि इस टैबलेट की रिलेवेंस खत्म हो चुकी है, तो वॉट आई विल डू, अब इसको मैं फेंक दूंगा। ऐसे ही बहुत सारे टैबलेट फेंके गए थे एंड इसीलिए जब ज़मीनों को हमने खोदा तो बहुत सारे टैबलेट्स दबे हुए अंदर मिले थे, बिकॉज एक बार उनकी रिलेवेंस खत्म होगी तो उनको फेंक दिया जाता था। सो पहला स्टेटमेंट सही है। तो ए सी डी ये तीनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन बी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। उसके बाद मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स कैन बी रिकॉर्डेड, ये गलत है, क्योंकि हमने कहा था कि एक टैबलेट में अगर हमने चीज़ों को उकेरा फिर उसको सुखा दिया तो अब हम उसमें कुछ भी उकेर नहीं सकते, कुछ भी नहीं लिख सकते। सो अगर हमने एक ट्रांजेक्शन दर्ज किया एक टैबलेट में एंड उसमें दर्ज मतलब लिख के यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के थ्रू लिख के सुखा दिया है, क्ले टैबलेट्स तो मिट्टी के होते थे, उसमें फिर स्मूदन करा जाता था सरफेस को, देन लिखा जाता था, फिर लिख के जब हमने सुखा दिया तब वो टाइट सरफेस हो गया, बहुत हार्ड हो गया, अब उस पर कुछ लिखा नहीं जा सकता। तो फॉर ईच सेपरेट ट्रांजेक्शन और सेपरेट टैबलेट विल बी नीडेड, हर एक नए ट्रांजेक्शन के लिए एक नए टैबलेट की जरूरत होगी, बिकॉज एक बार जब वो क्ले टैबलेट हार्ड हो गया उस पर कुछ नहीं लिख सकते हम लोग। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड लिटिल नंबर ऑफ मेसोपोटामियन टैबलेट्स ड्यूरिंग एक्सकवेशंस, ये भी गलत है। हमारे पास हमने कहा था कि थाउजेंड्स की संख्या में हमारे पास टैबलेट्स अवेलेबल है मेसोपोटामिया के, कुछ टैबलेट्स हैं जो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट वाले हैं, कुछ टैबलेट्स हैं जो जहाँ पे पिक्टोरियल साइंस को डिपिक्ट करा गया है, तो हज़ारों की संख्या में हमारे पास मेसोपोटामिया के टैबलेट्स हैं, पट्टिकाएँ मिली हैं। तो पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान बहुत कम नहीं बहुत ज़्यादा पट्टिकाएँ मिली हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कि केवल पहला स्टेटमेंट जो है वहाँ पे वही सही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, केवल पहला स्टेटमेंट, पहला जो कथन यहाँ पे दिया गया है कि एक बार टैबलेट की प्रासंगिकता खत्म होगी देन उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता था, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक तस्वीर दी गई है, एक क्ले टैबलेट की तस्वीर है, आपको बताना है कि विच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड हेयर, कि इस पट्टिका में किस तरीके के लेन देन को दर्ज किया गया है। तो क्या यहाँ पे किसी किंग के अनाउंसमेंट को दर्ज किया गया है, क्या यहाँ पे किसी गणितीय अभ्यास यानी कि मैथमेटिकल एक्सरसाइज को रिकॉर्ड किया गया, क्या यहाँ पे किसी कॉन्क्वेस्ट को, किसी जगह पे हमने जीत हासिल की है या किसी जगह को हमने हराया है,
डिफीट किया किसी किंग को तो उसको दर्ज किया गया है या नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं, कोई और पर्पस को किसी और ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया होगा। तो अगर आप इस पट्टिका को ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। मैथमेटिकल एक्सरसाइज, किंग्स अनाउंसमेंट, रिकॉर्ड ऑफ कॉन्क्वेस्ट या नन ऑफ द अबव, ये क्ले टैबलेट है। एंड अगर आप देखें तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट लिखी गई है, पिक्चर तो कोई दर्शाई नहीं गया, तो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ही लिखी गई। एंड यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के बारे में आपको बता दें, ये 2600 BC से शुरू होती है एंड बहुत दिनों तक चलती है। ये ना केवल सुमेरियन लैंग्वेज में बल्कि अकेडे लैंग्वेज में भी यूज़ होती है, एरेमियाक में भी बहुत दिनों तक यूज़ किया गया है इसको। तो आप अगर माने तो 1st century BC तक या CE तक भी 1st century CE तक इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल जारी था, तो तकरीबन 2000 सालों तक, या 1st century BC है या CE, आई एम कन्फ्यूज्ड, 1st century BC है शायद, तब तक ये जो टैबलेट है, तब तक ये जो स्क्रिप्ट है वो रेलेवेंस में थी, तब तक ये जो स्क्रिप्ट है दैट वॉज इन रेलेवेंस, तब तक इसको यूज़ किया जा रहा था कहीं ना कहीं। अब बढ़िया तौर पर नहीं, मतलब बढ़िया मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं यूज़ किया जाता होगा, लेकिन थोड़े बहुत मात्रा में ही यूज़ किया जाता होगा। जैसे एरेमियाक नाम की लैंग्वेज अभी विलुप्त हो चुकी है, फिर भी इराक के रीजन में कुछ लोग अभी भी एरेमियाक को जिंदा रखे वहाँ पे यूज़ करते हैं वो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के साथ ट्रायंगल के कुछ शेप्स बनाए गए हैं एंड प्रोबेबली पाइथागोरस थ्योरम टाइप का कुछ यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सरसाइज को प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। सो द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड हेयर माइट बी गणितीय अभ्यास, क्या ये एक शायद हो सकता है मैथमेटिकल एक्सरसाइज हो, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल्स दिखाए गए हैं एंड कुछ नंबर्स भी लिखे गए हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किंग्स अनाउंसमेंट तो कहीं दिख नहीं रहा, कॉन्क्वेस्ट भी कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे आकृतियाँ बनाई गई है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो प्रोबेबली ये जो टैबलेट है यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सरसाइज को रिकॉर्ड किया गया है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। सो अब आगे आते हैं 35वें क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक एक्सर्प्ट बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, आपकी किताब से हमने कुछ पंक्तियों को निकाला है, आपको बताना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस पंक्तियों को लिखा गया है। ये किसी एक मैथोलॉजिकल टेक्स्ट से जुड़ी पंक्तियाँ हैं। कहा गया है कि अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, मैं आपको हिंदी में पढ़कर बताऊँ ताकि आप आसानी समझ सकें। इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए, हमेशा इसको रिमेम्बरेंस में आप रखें। एंड बड़े बूढ़ों की जिम्मेदारी है, एल्डर्स की जिम्मेदारी है कि वो छोटों को पढ़ाएं। लेट द एल्डर्स टीच दे मतलब छोटों को। बुद्धिमान और विद्वान लोग इस पर चर्चा करें। लेट द वाइज वन एंड स्कॉलर डिस्कस देम। लेट द फादर रिपीट देम टू हिज सन्स। पिता इन्हें अपने पुत्रों को बार बार दोहराएं। यहाँ तक इसकी चर्चा इतनी हो कि जो छोटे छोटे ग्वाले हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो भी इसको सुनने के लिए हमेशा सललायित रहे। मतलब यहाँ तक कि ग्वालों के कान में भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए हमेशा कान उनके खुले रहे, वो भी हमेशा ललायित रहे, वो भी हमेशा क्रेज करे इसको सुनने के लिए। ये किस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड पंक्ति है, मतलब ये जो टेक्स्ट है ये किसी टेक्स्ट से जुड़ा एक एग्जाम्प्ट है। आपको बताने कि ये टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ, मतलब किस आप कह लें तो एलिमेंट से जुड़ा हुआ, किस कॉन्टेंट से जुड़ा हुआ। क्या किसी वॉर के बारे में बताया जा रहा है कि आपको वॉर के बारे में हमेशा चर्चा करनी है, लोगों को बताना है, या किसी रॉयल मैरिज के बारे में यहाँ कहा कि रॉयल मैरिज इतनी भव्य हुई थी कि बुद्धिमान और विद्वान लोग इस पर चर्चा करें एंड बड़े बूढ़ों इसको छोटों को बताएं ताकि ये चीज़ें भूली जा सके। क्या यहाँ पे लॉज के बारे में बताया गया है, कानूनों के बारे में, क्या दुनिया के निर्माण के बारे में, अबाउट द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। किस कॉन्टेक्स्ट में इस पंक्तियों को लिखा गया है, क्यों यहाँ पे ये कहा गया है कि इसको जो एल्डर्स हैं उनकी जिम्मेदारी कि वो अपने छोटों को पढ़ाएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग इस पर लगातार चर्चा करें एंड इतनी चर्चा करें कि जो ग्वाले हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी इसको सुन के सीख जाएं एंड हमेशा इसके बारे में सुनने को ललायित रहें, हमेशा इसके बारे में सुनने को क्रेव करें। सो टू विच कॉन्टेक्स्ट दिस लाइंस वर रिटन फॉर, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में इस पंक्ति को लिखा गया है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, जब हमने लिटरेसी के बारे में देखा था तो वहाँ पे मेसोपोटामिया की मिथोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली है। जब हमने मेसोपोटामिया के टैबलेट्स को एक्सकेवेट किया, उसको डिस्कवर किया, तो वहाँ पे इस लाइन्स को हमने देखा एंड पता चलता है कि ये जो लाइन है ये क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड को डेडिकेटेड है। लोगों को कुछ पता चला है सृष्टि के निर्माण के बारे में एंड वहाँ पे वो चीज़ें दर्ज हैं एंड उसके लास्ट में जो चीज़ दर्ज है वो तो अभी यहाँ पे नहीं दे सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बुक में भी नहीं दिया वो, लेकिन उसके लास्ट में वो जो टेक्स्ट जब कंप्लीट होता है तो कंक्लूजन के तौर पे वो ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी आपने अभी सीखा है अबाउट द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड की दुनिया कैसे निर्मित होती है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो वो आप अपने छोटों को पढ़ाएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग लगातार इस पर चर्चा करें ताकि और भी नए नए कंक्लूजन निकल के सामने आ सके। पिता इन्हें अपने पुत्रों को बार बार दोहराएं ताकि चीज़ें उनको याद हो सके एंड यहाँ तक ये इतनी ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए ताकि जो छोटे मोटे ग्वाले हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी इन चीज़ों को सीख जाए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, की जो कॉन्टेक्स्ट है वो सृष्टि के निर्माण को लेकर, ये जो टेक्स्ट है जहाँ से लिया गया वो टेक्स्ट सृष्टि के निर्माण को लेकर लिखा गया है कि दुनिया कैसे निर्मित होती है, कैसे इसको फंक्शन करा जाता है। यहाँ पे आपका लेवल 2 खत्म होता है एंड अब हम जाते हैं लेवल 3 पे। होप कि आपने लेवल 1 में सारी लेवल 1 एंड लेवल 2 के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा होगा। चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह पे जितने भी बच्चे हैं, पहले तो केवल पूर्वी और शिवांगी अटेम्प्ट करती थी, इस सेशन में आई एम होपिंग कि बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़ेंगे एंड उनको भी MCQs विद द एक्सप्लेनेशन मजा आ रहा होगा सुनने में देखने में।
तो अब शुरुआत करते हैं लेवल थ्री के। लेवल थ्री में आपके सामने एसोसिएशन रीजन के क्वेश्चंस होंगे, आइडेंटिफाई द प्लेसेस के क्वेश्चंस होंगे एंड उसके अलावा अन्य क्वेश्चंस होंगे। तो शुरुआत करते हैं 36वें क्वेश्चन से, दैट इज बेसिकली एसोसिएशन एंड रीजन क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। अभिकथन कहा गया कि टाइम में बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। अभिकथन और कारण में पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, जरूरी नहीं कि अभिकथन और कारण में जो स्टेटमेंट है वो सही ही हो, पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि ये दोनों सही है या गलत है। कारण ये कह रहा है कि कीलाकार चिन्ह सैकड़ों में थे और सीखने में जटिल भी थे, पहले हमें इन दोनों की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता मतलब ये देखना है कि इन दोनों में से सही है या नहीं है, दोनों में से कोई भी अगर गलत है तो हमारा ऑप्शन या तो सी होगा या ऑप्शन डी होगा, अगर दोनों ही सही है तो या तो हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। अब आपको सही ऑप्शन चुनना है स्टेप बाय स्टेप, पहले आपको इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर आपको अगर इन दोनों में से कोई भी गलत है तो आपको इन दोनों में से कोई आंसर चुनना है, अगर दोनों सही है तो आप फिर देखेंगे कि आर जो है यानी कि रीजन का जो स्टेटमेंट है वो एसर्शन के स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा ही नहीं कर रहा, एक्सप्लेन कर रहा ही नहीं कर रहा। तो एसर्शन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वेरी फ्यू पीपल इन मेसोपोटामिया कुड रीड एंड राइट, ये एकदम सही है, बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। तो ये जो एंड रीजन का स्टेटमेंट इज द क्यूनिफॉर्म साइंस वेयर इन टू हंड्रेड्स, बहुत ज़्यादा थे, सैकड़ों में थे एंड बहुत कॉम्प्लेक्स थे। हमने आपको कहा ही था कि क्यूनिफॉर्म कोई अल्फाबेट तो थे नहीं, वो जो सिलेबल्स होते थे छोटे छोटे लेटर्स से मिलकर बने हुए वो बहुत डिफिकल्ट होते थे, उनकी संख्या भी बहुत थी। अभी हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं तो इतना मुश्किल है इंग्लिश सीखना, या 52 अक्षर होते हैं हिंदी में तो इतना मुश्किल है हिंदी और संस्कृत सीखना। तो आप सोचिए कि सैकड़ों में अगर किसी भाषा किसी स्क्रिप्ट की संख्या हो एंड उसमें भी स्क्रिप्ट में लेटर नहीं है, दो तीन लेटर से मिलकर एक सिलेबल है, जैसा हमने कहा ACD एक सिलेबल हो गया, BDF एक सिलेबल हो गया, तो इन सब को मिला के आपको ऐसे सैकड़ों सिलेबल याद रखने हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे किसका अप्रोप्रिएट यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये साइंस बहुत डिफिकल्ट थे सीखने में, तो रीजन का भी स्टेटमेंट सही है, तो या तुम्हारा आंसर ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, इन दोनों को मैं डिस्कार्ड कर देना है। अब हमें देखना है कि रीजन का जो स्टेटमेंट है क्या वो एसर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो रीजन का स्टेटमेंट क्या है, यूनिफॉर्म साइंस वेयर इन टू हंड्रेड्स एंड बहुत कॉम्प्लेक्स है, एंड पहले मैं बिकॉज लगा के देखना कि क्यों मेसोपोटामिया के लोग पढ़ लिख नहीं पाते, तो बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे क्योंकि कीलाकार चिन्ह जो थे यानी कि स्क्रिप्ट जो थे, क्योंकि पढ़ना और लिखना ये तो स्क्रिप्ट पर डिपेंड करता है, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको स्क्रिप्ट आती है, हिंदी पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको देवनागरी स्क्रिप्ट आती है, पढ़नी और लिखनी दोनों। तो ये जो स्क्रिप्ट थे बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, इनको सीखना बहुत मुश्किल था क्योंकि इनके साइंस जो थे वो सैकड़ों में थे एंड बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। तो ये जो बिकॉज लगा के लॉजिक तो बैठ रहा है, एंड आपको अभी एक और चेक यहाँ पे ये देखना है, एक और प्रोसेस से गुजरना अभी ये है कि रीजन का जो स्टेटमेंट है क्या आपको ये देखना है कि क्या अगर ये स्टेटमेंट नहीं आता तो एसोसिएट का स्टेटमेंट आता। तो अगर यूनिफॉर्म साइंस सीखने में मुश्किल नहीं होते या ये इतने ज़्यादा नहीं होते, सैकड़ों की संख्या में नहीं होते, ये दहाई की सैकड़ा में होते, तो क्या इनको आसानी से सीखा नहीं जा सकता था, क्या बहुत सारे लोग लिटरेट नहीं होते, क्या बहुत सारे लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे? तो एब्सोल्युटली अगर ये साइंस कॉम्प्लेक्स नहीं होते तो यहाँ पे ये होता कि बहुत सारे लोग पढ़ लिख पाते, ओनली बिकॉज द साइंस आर कॉम्प्लेक्स, ओनली बिकॉज द साइंस आर इन हंड्रेड सिलेबल्स आर इन हंड्रेड्स, इसीलिए लोग पढ़ लिख नहीं पाते एंड वेरी फ्यू पीपल इन मेसोपोटामिया कुड रीड एंड राइट। सो द यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रीजन एसर्शन के स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, एंड अगर रीजन का स्टेटमेंट नहीं आता तो एसर्शन का स्टेटमेंट कभी नहीं आता। अगर यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट सीखने में मुश्किल नहीं होती एंड इसके जो सिलेबस है वो सैकड़ों में नहीं होते तो कभी भी ऐसा केस नहीं आता कि मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। मेसोपोटामिया में तो बहुत ज़्यादा लोग पढ़ लिख सकते हैं क्योंकि अब तो स्क्रिप्ट बहुत कम है और बहुत ज़्यादा आसान है सीखने में। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पहला अप्रोच, पहला स्टेप क्या है कि आपको इन दोनों की सत्यता की जांच करनी है, चेक द ऑथेंटिसिटी कि कौन सही है कौन गलत है, फिर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना, अगर दोनों सही है तो सी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे, अगर दोनों में से कोई भी गलत है तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे एंड इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अगर दोनों सही है फिर आपको चेक करना है कि विच ए और बी में से कौन सही है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा रीजन और एसर्शन में से रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। फॉर दैट आप बिकॉज लगा ले, बिकॉज से काम नहीं बनता, 99% केसेस में बिकॉज से काम बन जाता, फिर भी आपका काम नहीं बनता तो आप एक बार क्रॉस चेक हेतु देयरफॉर लगा के काम कर सकते हैं या सो दैट लगा काम कर सकते हैं, ड्यू टू लगा काम कर सकते हैं। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट ये है, आप अगर ये देखें रीजन के स्टेटमेंट को देखें फिर आपको ये पता लगाना है कि अगर रीजन का स्टेटमेंट नहीं आता तो एसोसिएशन का स्टेटमेंट कभी आ पाता दुनिया में। अगर इसका जवाब हाँ है कि अगर रीजन का स्टेटमेंट नहीं आता तब कभी भी एसोसिएशन का रीजन नहीं आता, एसोसिएशन का स्टेटमेंट नहीं आता, तो आपका जो जवाब होगा वो ऑप्शन ए होना चाहिए कि रीजन के स्टेटमेंट पे एसोसिएशन का स्टेटमेंट कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, हमें बस यही प्रूव करना होता है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट। उसके बाद 37वें क्वेश्चन पे, ये भी एक एसोसिएशन और रीजन का क्वेश्चन है, टैबलेट्स की संख्या हंड्रेड्स में थी, सैकड़ों में थी एंड प्रत्येक नए लेन देन के लिए टैबलेट्स की आवश्यकता होती थी, ये अभिकथन और कारण का स्टेटमेंट है। यही अप्रोच फॉलो करना है आपको, पहले दोनों की सत्यता की जांच करनी है, देन ऑप्शन एलिमिनेट करना है, फिर आपको ये पता करना है, अगर दोनों सही है तो ये पता करना है कि एक्सप्लेन कर पा रहे नहीं कर पा रहा, कारण का जो स्टेटमेंट है, कारण का जो कथन है वो अभिकथन के कथन को एक्सप्लेन कर पा रहे नहीं कर पा रहा, रीजन के स्टेटमेंट रीजन का जो स्टेटमेंट है वो एसर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहे नहीं कर पा रहा।
तो होप कि आप लोग जवाब देंगे टाइमली, अपना ठंडे दिमाग में आप वीडियो को पॉज करें। आपको ना कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर दें, वीडियो को पॉज करें देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करें आराम से, चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह पर अटेम्प्ट करें। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो चैट बॉक्स में आपके लिए खुली हुई चीज़ें, अगर आप प्रीमियर होने के बाद देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में से चीज़ें पूछ सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व यू, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। आपके प्रॉब्लम्स को, आपके डाउट्स को अगर हम थोड़ा भी कम कर सकें, थोड़ा भी सॉल्व कर सकें, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात होगी, गर्व की बात होगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। टैबलेट्स बहुत भारी मात्रा में थे, हंड्रेड्स थाउजेंड्स की मात्रा में थे, एंड फॉर ईच न्यू ट्रांजेक्शंस सेपरेट टैबलेट्स वर नीडेड। हर एक न्यू ट्रांजेक्शन के लिए हमने कहा था कि क्लियर टैबलेट्स एक बार आपने सुखा दिया तो उस पर अब कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, तो हर एक नए ट्रांजेक्शन के लिए अलग टैबलेट की आवश्यकता है, ये भी सही है। अब आपको ये देखना है कि मेसोपोटामिया में जो टैबलेट्स सैकड़ों की संख्या में मिले हैं, क्या उसका रीज़न ये है कि हर एक नए ट्रांजेक्शन के लिए नए टैबलेट की जरूरत पड़ती थी? अब इसके लिए बिकॉज लगाते हैं, तो इट रैन इनटू हंड्रेड्स बिकॉज फॉर एवरी न्यू ट्रांजेक्शन, फॉर ईच न्यू ट्रांजेक्शन सेपरेट टैबलेट वॉज नीडेड। या ऐसे में तो सेंस भी लग रहा, लॉजिकल भी लग रहा। एंड इसके अलावा एक और क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या रीज़न के स्टेटमेंट पे असर्शन का स्टेटमेंट डिपेंडेंट है? तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट है। अगर नए हर एक नए ट्रांजेक्शन के लिए अलग टैबलेट की आवश्यकता ना पड़ती तो कभी भी इतने ज़्यादा टैबलेट नहीं बनते। आप एक नोटबुक में कितने दिनों तक लिख लेते हैं? एक नोटबुक में आप कंप्लीटली एक बुक का सारा एक्सरसाइज कर सकते हैं, सारे ही नोट्स बना सकते हैं। एंड ऐसा सोचिए, अगर हर एक अलग अलग चैप्टर को करने के लिए आपको अलग अलग नोटबुक लेना पड़े तो ऑब्वियसली आपके पास वो नोटबुक का भंडार लग जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे होता था, हर एक न्यू ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग टैबलेट्स चाहिए थे, इसीलिए टैबलेट्स का भंडार लग गया। हंड्रेड्स ऑफ द टैबलेट्स हमें मिले हैं, बहुत सारे टैबलेट्स तो नष्ट भी हो चुके होंगे क्योंकि मिट्टी के थे, तो मिट्टी में वो फना हो चुके होंगे, वहीं पे वो सुपुर्द खाक हो चुके होंगे। लेकिन बहुत सारे टैबलेट्स बच चुके हैं, तो हंड्रेड्स थाउजेंड्स की मात्रा में टैबलेट्स इसलिए मिल पाए हैं क्योंकि फॉर ईच न्यू ट्रांजेक्शन, हर एक नए ट्रांजेक्शन के लिए सेपरेट टैबलेट की आवश्यकता होती थी। तो रीजन का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एसर्शन के स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। जब हमें ये पता चल गया कि दोनों ही सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी और डी ऑप्शन तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी स्टेटमेंट को गलत बताया गया। तब जब हमें हमने ये पता लगा लिया कि रीजन का स्टेटमेंट एसर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है, एंड रीजन के स्टेटमेंट पे एसर्शन का स्टेटमेंट डिपेंडेंट भी है। डिपेंडेंट मतलब अगर रीजन का स्टेटमेंट नहीं आता, अगर हर एक नए ट्रांजेक्शन के लिए नए टैबलेट की आवश्यकता नहीं पड़ती तो कभी भी मेसोपोटामिया में इतने टैबलेट्स का भंडार नहीं लगता, तो हेयर रीजन के स्टेटमेंट पे एसर्शन का स्टेटमेंट डिपेंडेंट है। तो रीजन इज हेयर एक्सप्लेनिंग द एसर्शन, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्लेस विद द गिवन क्लूज, यहाँ पे कुछ सुराग दिए गए आपको बताने कि किस ये सुराग किस स्थान को बताते हैं, किस स्थान के बारे में सुराग दिए गए। इट वॉज फर्स्ट मेसोपोटामिया सिटी, ये पहला मेसोपोटामिया शहर था। इसे सिंपली द सिटी के नाम से भी जाना जाता था, इसे लोग इसका नाम नहीं लेते थे, इसे सीधे शहर के नाम से कहते थे कि हम शहर जा रहे हैं, शहर में ये चीज़ मिली है, शहर में कैपिटल है, शहर में पैलेसेस है। एंड यह सुमेरो की राजधानी थी, दैट वॉज द कैपिटल ऑफ सुमेरियन, जो सुमेरियन सिविलाइजेशन था उसकी ये राजधानी हुआ करती थी। तो क्या ये सिटी बेबिलोनिया है, क्या ये माड़ी की सिटी है, क्या ये उड़ की सिटी है, क्या ये उरुक की सिटी है, क्या ये उरुक की सिटी है? तो इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है? आपके लिए हमने पहले ही बहुत सारा हिंट दे दिया है थ्रू आउट द सेशन, एंड इससे पहले के सेशन में भी हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं इन चारों शहर के बारे में, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। माड़ी कैन नॉट बी द आंसर क्योंकि सेंट्रल मेसोपोटामिया में है, तो कहीं से भी सुमेरों की राजधानी नहीं हो सकती क्योंकि सुमेर सदर्न मेसोपोटामिया में थे। माड़ी डिस्कार्ड हो गया। बेबिलोनिया मेसोपोटामिया सिटी है एंड सदर्न मेसोपोटामिया में ही पड़ती है, लेकिन ये पुरानी नहीं है, ये बहुत बाद में, ये 1800 BC के अराउंड इसको बसाया गया, तो ये भी नहीं हो सकता। या तो उर होगा या उरुक होगा। तो हमने आपको बताया था कि उरुक में जो पुराना है, दोनों में जो सबसे पुराना, दोनों ही पुराने हैं, लेकिन इन दोनों में भी उरुक ज़्यादा पुराना है। एंड उरुक यूज टू बी द कैपिटल ऑफ सुमेरियंस, ये सुमेरियंस की कैपिटल थी, एंड इसको सीधे द सिटी के नाम से भी लिखा गया है कि ये शहर है, शहर में लापिस लाजुलाई में मिला है, शहर में हमें वारका क्वीन का हेड मिला है, तो इसे सिंपली द शहर के नाम से भी जाना जाता था, इतनी ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी थी। तो इसे शहर के नाम से भी लिखा गया, मेसोपोटामिक टेक्स्ट में कभी भी उरुक का नाम लिखा गया, सीधे द सिटी या शहर, हमने शहर में ये देखा, शहर में ये पैलेस लोकेटेड था, शहर में ये राजा ये करते थे, शहर में इतने इंस्क्रिप्शन है, शहर में ये टैबलेट है, शहर में ये दुकानें हैं। तो शहर मतलब आप सीधे समझे उरुक। जैसा हमने आपको बताया ना कि गांव देहात के जो लोग होते हैं वो अपने आसपास के शहर का नाम नहीं लेते, वो सीधे बताते कि हम शहर जा रहे हैं। अब लोग खुद ही समझ जाएंगे, बगल में अगर कानपुर पड़ता तो शहर कानपुर ही होगा, बगल में अगर लखनऊ पड़ता तो शहर जो लखनऊ ही होगा। तो ऐसे ही उरुक एक बहुत एंशियंट सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट सिटी इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड इसीलिए इसे द सिटी के नाम से भी जाना गया। सो द करेक्ट आंसर विल बी उरुक। उरुक वॉज द कैपिटल ऑफ सुमेरियन एंड दैट वॉज द फर्स्ट मेसोपोटामिया सिटी। अब आगे बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके सामने एक सोर्स दिया गया है, एक एग्जर्ब दिया गया आपकी बुक से।
इस एग्जर्प में कहा जा रहा है कि उस महाकाव्य में कहा गया है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एग्जर्प्ट है, इन द अर्ली डेज द एपिक सेज कि ट्रेड वॉज नॉट नोन, कि शुरुआत में किसी को नहीं पता था कि व्यापार क्या होता है. एंड एनर मेकर वॉन्टेड लैपिस लजुलाई एंड प्रीशियस मेटल फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ अ सर्टेन टेम्पल, की एनर मेकर जो सम्राट थे, जो सुमेर किंग थे, वो चाहते थे कि एक मंदिर को सजाया जाए. इसके लिए वो लाजवर्द, यानी कि लैपिस लजुलाई को इंग्लिश में, हिंदी में लाजवर्द कहते हैं, लाजवर्द और अन्य प्रीशियस मेटल्स को भेजने लाने के लिए अपने एक दूत को भेजते हैं अरट्टा नामक देश के राजा के पास कि तुम वहाँ जाओ एंड हमारे लिए लैपिस लजुलाई एंड ये हमारे लिए प्रीशियस मेटल्स एंड स्टोन्स वगैरह लेके आओ. तो दूत उसके बाद राजा के आदेश पे निकल जाता है लैपिस लजुलाई के खोज में. एंड जब वो पहाड़ों पे था, द मैसेंजर हेडेड द वर्ड ऑफ किंग एंड द पीपल ऑफ सूसा बिलो द माउंटेन्स, जब वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहा था तो पहाड़ों की तलहटी पे सूसा नगर के रहने वाले लोगों ने उसे नमस्कार किया था चूहों की तरह, जमीन की बहुत छोटे लग रहे थे वो ऊपर से देखने में. नाउ अभी आपको बताना है कि हु वाज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्स्ट ट्रेड इन सुमेर. इसी सोर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि हम किस आदमी को ये श्रेय देते हैं कि उन्होंने ट्रेड शुरू करा था, या मतलब प्रथम व्यापारिक घटना उस आदमी के कारण हुई थी. तो हेयर वी हैव फोर ऑप्शन, सार्गोन, एनर्मेकर एंड गिलगमेश या नोबेनेडस. तो इन चारों में से किस, ये चारों ही राजा हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के, अलग अलग सिविलाइजेशन के. आपको बताना है कि इन चारों में से किस राजा को हम क्रेडिट देते हैं कि इन्होंने पहली व्यापारिक घटना शुरू की थी, मतलब ट्रेड को शुरू किया था. सो क्या वो सार्गोन है, क्या वो एनर्मेकर है, क्या वो गिलगमेश है, क्या वो नोबेनेडस है. सबसे पहले एक चीज़ जानिए आप, ये जो कहानी दी गई यहाँ पे एनर्मेकर के बारे में, इसमें दो चीज़ों में एनर्मेकर को यहाँ पे क्रेडिट दिया गया है. एक तो उन्होंने सबसे पहले ट्रेड शुरू करा था. ट्रेड कैसे शुरू करा, तो उनको लगा कि भाई हमें टेम्पल के ब्यूटिफिकेशन के लिए, सजाने के लिए लैपिस लजुलाई की ज़रूरत है और प्रीशियस स्टोन्स वगैरह की ज़रूरत है. तो उन्होंने अपने मैसेंजर को भेजा अरट्टा नामक देश के राजा के पास, जो कि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान वाले इलाके में रूल करते थे. तो वहाँ से वो लैपिस लजुलाई लाए एंड फिर इस तरीके से ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड है, उसकी शुरुआत हुई. आगे चल के फिर व्यापारी वर्ग के लोग वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ जाते हैं, सामानों का वितरण करते हैं, पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि इसी कहानी में ये भी बताया गया है कि जब अरट्टा देश का राजा लैपिस लजुलाई नहीं देता है एंड बार बार ये जो इनका मैसेंजर है आता है जाता है, बार बार निराश होकर लौटता है कि सर ये जो अरट्टा देश का राजा है वो तो हमें नहीं दे रहा, बार बार हम जाते हैं, बार बार धमकाते डराते तभी नहीं दे रहा. तो अल्टीमेटली एनर्मेकर ने क्या करा था, व्हाट ही डिड एनर्मेकर, एनर्मेकर क्या करते हैं, एक मिट्टी से बना हुआ एक टैबलेट लेते हैं. उससे पहले कभी लिखाई नहीं हुई थी, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, इससे पहले कभी लिखाई नहीं हुई थी. एनर्मेकर क्या करते हैं, एक मिट्टी से बना हुआ टैबलेट लेते हैं, उसको स्मूदन करते हैं और उस पर लिखते हैं अपने ऑर्डर को, उस पर अपने ऑर्डर को लिखते हैं एंड अरट्टा के देश के राजा को ये संदेश देते हैं कि तुम अगर लैपिस लजुलाई और जो भी प्रीशियस स्टोन्स हमने तुमसे मंगवाया है अगर तुम नहीं भेजते हो, तुम्हारे लिए अंजाम बहुत ख़राब होगा. तो यहीं से ये इस स्टोरी में ये दर्शाया गया कि बेसिकली एनर्मेकर वॉज क्रेडिटेड विद टू थिंग्स, दो चीज़ों का उनको श्रेय दिया जाता है. एक तो उन्होंने लिखाई की शुरुआत, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, ये मिथोलॉजी है तो हम इस पर कम्प्लीटली लड़ाई तो नहीं कर सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस मिथोलॉजी एनर्मेकर ने ही फॉरेन ट्रेड की शुरुआत की थी, क्योंकि उनको लैपिस लजुलाई चाहिए था तो उन्होंने दूसरे देशों से मंगवाया एंड फिर ऐसे करके यहाँ के व्यापारी वहाँ के व्यापारी दोनों आपस में ट्रेड करने लगे एंड फॉरेन ट्रेड फिर संचालित होता है. एंड दूसरा कि एनर्मेकर ही पहले वो शख्स थे जिन्होंने राइटिंग का इस्तेमाल किया. क्यों किया था, क्योंकि उनको अरट्टा देश के रूलर को एक संदेश देना था, एक पैगाम देना था कि अगर तुमने लैपिस लजुलाई नहीं भेजा दैट विल बी वेरी बैड फॉर यू. तो यहाँ पे भी फर्स्ट ट्रेड के साथ किसको एसोसिएट किया जाता है, तो एनर्मेकर को एसोसिएट किया जाता है बिकॉज ही इज क्रेडिटेड टू स्टार्ट फॉरेन ट्रेड, जिन्होंने फॉरेन ट्रेड शुरू करा अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी. आप ऐसा ना समझिए कि ये फैक्चुअली सही है, ये मिथोलॉजी है, स्टोरी है, तो हम इस पर कम्प्लीटली रिलाई तो नहीं कर सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी, दिस पैसेज के अराउंड, दिस पैसेज के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि एनर्मेकर ने ही व्यापार की शुरुआत की थी फॉरेन ट्रेड की एंड उन्होंने ही लिखाई की शुरुआत की थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल ऑफ डैश सिटी सैल्यूटेड द मैसेंजर ऑफ एनर्मेकर एज माय माइस, कि किस शहर के लोगों ने एनर्मेकर के दूत को यानी कि मैसेंजर को चूहों की तरह सलाम किया. बेबिलोनिया के लोग थे वो, यमारी के लोग थे वो, उर के लोग थे वो, या सुसा के लोग थे. अभी अभी हमने देखा है कि जब ये मैसेंजर जब पहाड़ की तलहटी पे होता है तो पहाड़ की तलहटी मतलब पहाड़ों पे चढ़ता, पहाड़ इज लाइक माउंटेन्स, व्हेन ही वाज असेंडिंग द माउंटेन, जब वो पहाड़ों पे चढ़ रहा था तो ये तलहटी होती है, तलहटी मतलब जो बेस होता है प्लेन. तो वो जो फील्ड के लोग थे जब वो तराई पे थे, निचले हिस्से पे थे, वो उसको ऊपर देख के सलाम करते हैं एंड मैसेंजर को लगा कि वो बहुत छोटे हैं इसीलिए उनको कंपेयर किया गया है चूहों से. सो सूसा उस शहर का नाम है. आप सबने हो सकता है जवाब भी दे दिया अभी तक कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों जगह पर. उर भी नहीं है, मारी भी नहीं है, बेबिलोनिया भी नहीं है. मारी तो अभी एनमर्कर चूंकि समेरियन किंग है तो मारी का तो अभी कोई रिलेवेंस आएगा ही नहीं.
तो सूसा और बेबीलोनिया में बात थी। बेबीलोनिया भी बहुत देर तक आता, बहुत बेबीलोनिया तो 1800 BC के बाद आएगा, तो उर है या सूसा, इन दोनों में कन्फ्यूज था। तो सूसा विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये पहाड़ों के तलेटी पे था, यहीं के लोगों ने सलाम किया था मैसेंजर को, एंड जो कि छोटे लग रहे थे तो उनको कंपेयर किया गया कि ये चूहों के रूप में सलाम करते हैं। सो दैट्स ऑल इन द सेशन, होप कि आपने एंजॉय करा होगा, एंड इसकी जो PDF है वो भी आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देख सकते हैं, सारी ही चीज़ें अपलोडेड हैं, वर्कशॉट लेक्चर भी अपलोडेड हैं, थोड़े दिनों में रिविजन सेशन भी आ जाएगा, टेस्ट के लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहें, एंड अन्य भी बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्द आने वाली है। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को जरूर दबा लें, सो दैट यू कैन नॉट मिस एनी नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।